बाबू आज टिफिन खाया? हाँ। आज डायरी में कुछ लिखा तो नहीं? नहीं। बता दो वरना तुम्हारे संग दीदी मुझे भी डांटेगी। नहीं। छोटा छोटा घर है उसे बस्ती कहते हैं, वहाँ मेरा घर है। पतंग कैसे उड़ाते हैं? पतंग? वो तो गंदे बच्चे उड़ाते हैं। तू इन चीजों पे ध्यान मत दे, खाना खा ले फिर थोड़ी देर सो जाना। हाँ पतंग ला दो ही। तुझे ये नया शौक कब से लग गया? चलो जल्दी करो टिफिन खा लेना। हाँ और भैया तुम बच्चे को क्या कुछ बताते रहते हो, बंद करो वरना मैं स्कूल अथॉरिटी से कंप्लेन कर दूंगी। हाँ अंदर आ जाओ। दीदी सब काम हो गया मैं घर जाऊँ? हाँ। दीदी मैं एक बात बताऊँ? हाँ बोलो। बाबू ना रोज पुराना वाला एल्बम निकल के देखता है। बच्चा है कोई बात नहीं, ठीक है तुम जाओ। काम हुआ? हाँ बोलो। अभी रोज रोज वो एल्बम लेकर के बैठ जाता, आज सब उन्होंने हद ही कर दी। आप क्या किया? अरे साहबजादी को पतंग उड़ाने के सपना चढ़ा है, कल अड्डा देगा परसों और कुछ, फिर ना जाने क्या क्या करेगा वो। छोड़ो ना बच्चा है, जो भी रंग बिरंगे चीज देखेगा वो तो अपनाना चाहेगा ही। जस्ट शट अप किशोर, यू एंड योर स्टूपिड मिडिल क्लास मेंटालिटी। Let me handle my baby my own way, okay? जरा एक ग्लास पानी लाना। जी दीदी। दीदी पानी। आज आज मेरे पास आज मेरा राज जो भी तो मेरा जो बीट पापा के चश्मे पे ना।
एक बढ़िया चीज डाउनलोड किया सिर्फ तुम्हारे लिए. वेट. नहीं, मुझे कागज की पतंग चाहिए बस. बेटा, Have you seen his attitude, Kishore? रहने दो ना. रहने दूँ? कैसे रहने दूँ? वो तो दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं. उसका तो पतंग का नशा ही लग गया है. खामोखा तुम भी ना. खामोखा? He is my only child, my only son, Kishore. And please, please for God's sake, let me handle this my own way, okay? Aarti, Aarti, in and out, Aarti. एक सेकेंड, रुको. You just keep shut, Kishore. Let me handle it my own way. Please. Aarti, किसने बताया बच्चे को पतंग के बारे में? रुको. Just shut. इतना.